बालाजी टेलीफिल्म से एकता कपूर ने मांगी करोड़ों की सैलरी, कंपनी ने कहा नो। जी हां, टीवी की क्वीन एकता कपूर को बड़ा झटका लगा। बालाजी टेलीफिल्म की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर ने कंपनी से अपनी और मां शोभा कपूर की सैलरी बढ़ाने की मांग की थी, जिसे शेयर होल्डर्स ने खारिज कर दिया। एकता की मां शोभा कपूर बालाजी टेलीफिल्म की मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी के AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में सैलरी में बढ़ोतरी की मांग रखी गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। ये मीटिंग 31 अगस्त 2021 को थी। जनरल मीटिंग का परिणाम 2 सितंबर को आया था। इसमें एकता कपूर की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव पर जो वोटिंग हुई, उसमें 55.4% वोट एकता के खिलाफ थे, जबकि 56.7% वोट शोभा कपूर की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि शोभा कपूर को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2.1 करोड़ रुपए बतौर सैलरी का भुगतान किया गया था। ये कंपनी के किसी भी औसत कर्मचारी की सैलरी 59.7 गुना थी, जबकि वित्त वर्ष 2022 में मुनाफे में कमी को मानते हुए शोभा कपूर की सैलरी करीब 2.69 करोड़ है। एकता कपूर का अटेंडेंस रिकॉर्ड भी खराब रहा। फाइनेंशियल ईयर 2021 में वह 50% बोर्ड मीटिंग से गायब रही। पिछले 3 साल में वह 75% बोर्ड मीटिंग में ही मौजूद रही है। एकता कपूर को फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी से कोई वेतन नहीं मिला।